24 फरवरी के दिन मैं यासर के नमाज के लिए गया था। हाँ तो वहाँ पे क्या हो गया, मुझे तो असर के नमाज से फारिग होने के बाद में मस्जिद के बाहर निकला, थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा सुनाई दे रहा था। हाँ क्या बात है, बोल दिया देखा। फिर उसके बाद में माशाल्लाह उस दिन हमारे गाँव में वो NRC NPR और क्या वो CA के खिलाफ में एहतजाज चल रहा था। हाँ फिर वो शोर शराबा किस लिए है बोल के आके देखा तो खवातीन का मजमा ज़्यादा था। फिर उसके बाद में क्या हो गया, एक दो सेकंड में मस्जिद के बाहर ही खड़ा रहा, फिर अचानक मेरे को पेशाब महसूस हुआ। फिर वापस से मस्जिद के तहारत खाने में मैं जा गया तो खून का पेशाब एक साथ बिल्कुल जानवर को जुबा करने के बाद में कैसा फूट जाता, उस नमूने से खून चालू हो गया। जैसे खून चालू हो गया घबराहट चालू हो गया। फिर उसके बाद वापस से घर आया, उसके दूसरे दिन से लेके 5 मार्च तक पाइप लगा हुआ था, 2 दिन से मेरा नॉर्मल है बस। तो उसके अल्लाह उस दिन से आज तक की हालत में नापाकी की हालत में मैं तहारत से नहीं हूँ। सबसे बड़ा अफसोस मेरे को वो अरे मरते सख्त अल्लाह ताला ना पाके क्या लो दवा के बाद में फिर क्या, अल्लाह का शुक्र है दवा के बाद वो खून वगैरह जाना बंद हो गया, पेशाब की थैली को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद में हालत यह है पेशाब रुक नहीं सक रहा है जिसके